भारतीय टीम इस वक्त वेस्टइंडीज दौरे पर T20 सीरीज खेल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे सीरीज खेली, जहां शिखर धवन की कप्तानी में टीम ने क्लीन स्वीप किया। आपको बता दें कि अब टीम को अगले महीने जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है और वेस्टइंडीज पर अपार सफलता के बाद शिखर धवन को जिम्बाब्वे दौरे की भी कमान दे दी गई है। दरअसल आपको पूरी बात की जानकारी दें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली वनडे सीरीज को लेकर टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे तमाम सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और शिखर धवन को टीम इंडिया की कप्तानी दी गई है। शिखर धवन ने वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी की और टीम ने वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में जाकर वनडे के इतिहास में पहली बार क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को भी आराम दिया गया है। साथ ही अब ये माना जा रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जिम्बाब्वे दौरे को ना खेल करके सीधा एशिया कप में वापसी करेंगे। बहरहाल बात करें अगर टीम इंडिया की तो BCCI ने खुद इस बात का ऐलान किया और शनिवार शाम को टीम की घोषणा कर दी गई। टीम पर अगर नजर डालें तो BCCI ने ट्वीट करते हुए बताया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार होगी, जिसमें शिखर धवन कप्तान होंगे। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और दीपक चहर शामिल हैं। आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज में राहुल त्रिपाठी को जगह दी गई। राहुल त्रिपाठी अब तक टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाए हैं। उन्हें हाल ही में भी टीम में शामिल किया गया था लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिम्बाब्वे दौरे पर राहुल त्रिपाठी टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर टीम की तो दीपक चहर लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं। दीपक चहर की बात करें तो वह चोटिल थे, इसके बाद लगातार वह चोट से परेशान रहे। IPL में भी दीपक चहर शामिल नहीं हो पाए लेकिन अब वह टीम इंडिया के लिए लंबे समय के बाद वापसी करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे टीम की तो कुलदीप यादव भी चोट से वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुलदीप यादव इस वक्त टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरे पर T20 टीम का भी हिस्सा है लेकिन उन्हें अब जिम्बाब्वे दौरे पर भी शामिल कर लिया गया है। वहीं चोट और फिटनेस के कारण लगातार चर्चा में रहने वाले और टीम से बाहर रहने वाले वॉशिंगटन सुंदर की भी वापसी हुई है। वॉशिंगटन सुंदर को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर पिछले साल हुए वर्ल्ड कप के दौरान से ही चोट से परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने IPL भी स्किप किया। इसके अलावा वे लगातार भारत के लिए तमाम सीरीज में नहीं खेल पाए। आपको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर इस वक्त काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और अब उनकी फिटनेस और साथ ही उनकी तबीयत और चोट के ठीक होने के बाद ही उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, साथ ही मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर जैसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के लिए वॉशिंगटन सुंदर साथ ही कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ऑलराउंडर में शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल जैसे विकल्प टीम इंडिया के पास और दीपक हुड्डा भी एक विकल्प के तौर पर टीम में शामिल हैं। इसके अलावा शिखर धवन टीम इंडिया के कप्तान हैं। बता दें कि KL राहुल को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि KL राहुल टीम इंडिया की कप्तानी जिम्बाब्वे दौरे पर कर सकते हैं लेकिन अब टीम के ऐलान होने के बाद तमाम तस्वीरें साफ हो गई। क्या कुछ आपकी राय है इस टीम को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।